गाइस कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। सो अभी हमारी चल रही है ब्लॉगिंग सीरीज और लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि निश सेलेक्शन करना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हिस्सा होता है हमारे ब्लॉगिंग का। और मैंने आप लोगों को वहां पे कुछ चीजें बताई थी कि आपको किस तरह से निश को सेलेक्ट करना है। आप अपने हिसाब से जो आपकी हॉबी है उसको आप जो है लिस्ट बना के रखें। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो आपने हॉबीज के हिसाब से जो लिस्ट बनाई है, अब कौन सी ऐसी उसमें से टॉपिक है जिसके ऊपर जो है आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये रिसर्च करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ऐसे ही ऑन एयर हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा करियर दांव पे लगाने जा रहे हैं। अगर हम पूरी मेहनत करने जा रहे हैं उसके ऊपर, सारी चीजों को हमें समझना है और ताकि हमारी मेहनत बेकार ना हो, इसलिए हमें ये रिसर्च करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं रिसर्च करने के लिए कि हमारा जो टॉपिक हमने सेलेक्ट करे हैं तो उनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हमें रिजल्ट मिलेंगे, यानी कि जिनको लोग सर्च कर रहे हैं और जिस पे हमें जो है ट्रैफिक अच्छा खासा मिल सकता है। तो उसको समझाने के लिए, रिसर्च प्रैक्टिकली करने के लिए मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको लैपटॉप स्क्रीन पे। तो सीधे चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं की किस तरह से रिसर्च करी जाती है। लेकिन उससे पहले गाइज अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरा फेसबुक आईडी है मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो आप जल्दी से जाके मुझे पेज पे फॉलो कर सकते हैं और वहीं पे भी जो है आपके पास कई सारे सवाल होंगे तो वो आप मुझे वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहां पर जो है हम गूगल के ऊपर हैं। तो बेसिकली जो भी चीजें हमें काम करना है उनके ऊपर हम यहां पर देखेंगे। तो यहां पर मैं जो से फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर नोट पैड ले लेता हूं और नोट पैड के ऊपर मैं यहां पर जो टॉपिक्स मुझे लगते हैं, से फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर में जो काम करना है और दूसरा मैं चाहता हूं यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है, ये मेरा दूसरा हॉबी लग रहा है मुझे, और तीसरा यहाँ पे मैं वेब डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहता हूं, मैं इसके ऊपर भी अच्छा कर सकता हूं, या फिर मेरी एक हॉबी है दैट इज बाइक ड्राइविंग, तो यहां पर जो है मैं बाइक और ड्राइविंग के ऊपर में जो है बाइक ड्राइविंग के ऊपर में जो है या बाइक रिव्यूज की बात कर लेते हैं। चलो अभी लॉकडाउन है तो का सीन अभी निकल के गया है तो अभी गवर्नमेंट नहीं करने दे रही है, तो नो वरीज हम रिव्यूज की बात कर सकते हैं, राइट। तो रिव्यूज के अंदर आपको कहीं पे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो आप इंटरनली बैठ के जो है घर के अंदर ही काम कर सकते हैं। तो ये चार हैं, इन चारों टॉपिक्स में से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मेरे लिए बेस्ट हो सकता है। तो ये सपोज कर लो मेरी हॉबी है, मैंने लिस्ट डाउन कर ली, तो इसमें से सबसे पहले हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च करते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पर जाकर हमें जो है जाना कहां पर है, हमें यहां पे लिखना है trends.google.com लिखते हैं तो हमारे पास इस तरह की वेबसाइट जो है इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। यहां पर जो है हमारा, क्योंकि हम बैठे हैं इंडिया के अंदर, हमारा टारगेट ऑडियंस इंडिया है, तो हम चाहते हैं कि यहां पर इंडिया के बारे में ही हमें सारी चीज मिले। तो यहां पर जो लिखा हुआ यूनाइटेड स्टेट, इसकी जगह पे हमें यहां पर इंडिया को सर्च करके इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, राइट। अब इसके बाद एक्सप्लोर व्हाट द वर्ल्ड इज सर्चिंग, यहां पे लिखा हुआ है कि आप यहां पे एक्सप्लोर करके देख सकते हो कि दुनिया जो है वो कितना सर्च कर रही है आपके इस टॉपिक को। तो हम जो है यहां पे पेस्ट कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग को अगर मैं एंटर करता हूं तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का पिछले 12 महीने का जो ग्राफ है वो यहाँ पे 50% से अप रहा है, यानी कि एवरी डे जो है यहाँ पे 50% से ज्यादा लोग जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर रिसर्च करते हैं। कभी डाउन आता है, कब अप जाता है, लेकिन इसका अगर ओवरऑल देखें पिछले एक साल का तो यहाँ पे ग्राफ जो है वो ऊपर ही उठा है, डाउन नहीं हुआ है। लेकिन मैं थोड़ा सा और रिसर्च करना चाहता हूं तो लेट मी गो टू 5 years का मैं यहाँ पे देख लेता हूं। पिछले 5 साल के अंदर जो है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का ग्राफ जो है वो इंक्रीज 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 एंड इंक्रीज ही हो रहा है, यानी कि इसके ऊपर मैं अगर ब्लॉगिंग के अंदर टॉपिक इसको एज अ निश मान के चलूं तो डेफिनेटली मेरे को काफी अच्छा जो बेनिफिट हो सकता है, राइट। ये मेरे लिए एक पहला टॉपिक हो गया। लेट स्टार्ट विद द एफिलिएट मार्केटिंग, तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग को यहाँ पे देखना चाहता हूँ। तो अब मैं एफिलिएट मार्केटिंग को यहाँ पे लिख के और फिर जो है यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर रिसर्च करता हूँ। तो पिछले 5 साल के अंदर देखें तो एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ पे कॉन्स्टेंट चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन
अब यहाँ पे 2020 के अंदर यहाँ पे एफिलेट मार्केटिंग काफी बूस्ट पे आ गई है, राइट। यहाँ पे अगर देखें अभी मई का और यहाँ पे जून चल रहा है, तो जून के अंदर देखें यहाँ पे काफी बूम पे है ये, और यहाँ पर जो है आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिल सकता है। लेकिन अगर हम पिछले एक साल का देखेंगे, पिछले एक साल में इसका क्या ग्राफ रहा है, तो मैं 12 महीने का करता हूं, तो देख सकते हैं यहां पर कंपेयर टू डिजिटल मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो ट्रैफिक है वो आपका कम है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन यहां पे मार्च के बाद जो है, यहां पे 22 मार्च के बाद जो है ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज हुआ है। अभी इंक्रीज होने का कारण ये भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अभी लॉकडाउन की वजह से, इस दौरान लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन के चलते हो सकता है कि लोगों ने अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जो है यहाँ पे पोस्ट करना स्टार्ट किया हो, और उसकी वजह से यहाँ पर जो है ये बूस्ट देखने को मिल रहा हो। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें इन जनरल, तो यहाँ पे जो है आपको 50% से ट्रैफिक नीचे ही जा रहा है, यानी कि इस पे खास ज्यादा आपको अच्छा नहीं मिलेगा रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी आपको ट्रैफिक देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। तो अभी चलते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट पे चलते हैं, और मैं यहाँ पे जाके वापस वेब डेवलपमेंट लिखता हूँ और सर्च करता हूँ। पिछले 12 महीने की अगर बात करें तो यहाँ पे 50% से अप और ये कॉन्स्टेंट चल रहा है, यानी कि ट्रैफिक आपको लगातार मिलता जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर पिछले 5 साल की बात करें, तो 5 साल से इसके अंदर थोड़ी सी बीच में गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद फिर वापस अभी जो है थोड़ा सा पिकअप कर रहा है और वापस ऊपर की तरफ उठ रहा है, क्योंकि अभी जो है क्लाउड टेक्नोलॉजी, वेब डेवलपमेंट, एप्स जो है वो सारी की सारी वेब डेवलपमेंट की तरफ जाती जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे ग्राफ जो है आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर भी डेफिनेटली आगे बढ़ सकता है। तो ये भी हमने देख लिया, 50% से अबव ही रहता है इसका ट्रैफिक, तो हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाइक रिव्यूज की, तो बाइक रिव्यूज पे यहाँ पे चलते हैं, चौथा टॉपिक मेरा था, और बाइक रिव्यूज पे मेरा क्या रिजल्ट में देखने को मिलता है। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें, तो 5 साल के अंदर इसका जो ग्राफ है वो धीरे 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 नीचे 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 ही आते जा रहा है, यानी कि ये बाइक रिव्यूज की अगर हम बात करें, तो यहां पर हमारे लिए अगर हम अब काम कर रहे हैं तो हमें ज्यादा जो है ट्रैफिक देखने को नहीं मिलेगा। ये ग्राफ पिछले 5 साल का हमें बता रहा है, लेकिन पिछले 12 महीने के अंदर क्या हुआ है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं बीच में आपका ग्राफ जो है काफी ऊपर उठा, लेकिन फिर वापस नीचे जाकर अभी फिर वापस ऊपर, यहां पे जो है अप एंड डाउन देखें। लेकिन पिछले 5 साल की अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये जो है आपके लिए बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ट्रैफिक जितना चाहिए उतना आपका इसमें देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो ये हो गया आपका बाइक रिव्यू। तो हमारे हमें यहाँ पे ये पता चल गया भाई, बाइक रिव्यू जो है वो हमारे लिए सही नहीं है। बाकी अब हमारे पास 3 टॉपिक बचे, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एंड वेब डेवलपमेंट। अब इन तीनों में से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमें अच्छा करना चाहिए, तो लेट्स से मुझे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग ले लेता हूँ, और इसके साथ में मैं कंपेयर कर लेता हूँ वेब डेवलपमेंट को। और राइट, अब मैं वेब डेवलपमेंट यहाँ पे कंपेयर में डाल देता हूँ और इसको भी रिसर्च कर लेते हैं। तो ये मैंने वेब डेवलपमेंट डाल दिया, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग को भी ले लेता हूँ, और एफिलिएट मार्केटिंग को भी यहाँ पे कंपेयर कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमने तीनों को कंपेयर कर लिया, और तीनों को कंपेयर करने से अभी हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि अगर यहाँ पे कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें ज्यादा अगर मेहनत को, कौन सा ऐसा टॉपिक है इनमें से जिसपे हम काम करना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो यानी एफिलिएट मार्केटिंग सबसे कम ट्रैफिक मिलने वाला है, और वेब डेवलपमेंट का ये रेड कलर है, तो जिसपे आपको कॉन्स्टेंट ट्रैफिक जो है मिलने को देखने को मिल सकता है। लेकिन अब इन तीनों को जब हमने कंपेयर करा, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल रहे हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा स्कोप है, हमें देखने को मिल रही है। तो ये है आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया, जो मैंने आपको लाइव रिसर्च करके दिखाई है। आई होप कि आपको जो है अब अंदाजा लग गया होगा कि जो आपकी हॉबी है उसके हिसाब से हम सारी चीजें करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस नहीं भी होंगे, लेकिन अगर हमने यहाँ पर रिसर्च करा, कंपेयर करा हमारे 2-3 टॉपिक्स को, तब जाकर हमें यहाँ पे अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको जो है चीजें समझ में आई होंगी। अगर चीजें अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनको उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।